ये ना इतनी गंदी मैगी बनाती है, इतनी गंदी मैगी बनाती है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना जगलिंग चैलेंज सुबह ही कंप्लीट करने वाला हूं और आज सुबह सुबह मेरे साथ एक सीन हो गया था, वो सीन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहले चलते हैं अपना आज का जगलिंग चैलेंज कंप्लीट करने। सो फ्रेंड्स, अभी आ चुका हूं मैं अपने नेबर्स की छत में और आज का जगलिंग चैलेंज मैं यही करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस छत की मुझे सबसे ज्यादा खास बात ये लगती है कि बहुत ऊंचा है और यहाँ पे सनलाइट इतनी अच्छी पड़ती है कि आप सुबह वीडियो बनाओ या शाम को वीडियो बनाओ, वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का एनवायरनमेंट है एकदम शांत एनवायरनमेंट है, क्लीन एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव वाइब्स आने। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का जगलिंग चैलेंज। Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word. सो फ्रेंड्स, मेरा आज का जगलिंग चैलेंज हो चुका है कंप्लीट। काफ़ी गर्मी हो रही है और पसीना भी बहुत आ रहा है, पर एक अच्छी बात हो रही है कि हवा चली तो उससे ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। आज का जगलिंग चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो मैं आपसे आगे शेयर करने वाला हूं। दूसरा, आज मैंने वही पैटर्न फॉलो करा, 500 जगह बड़ी बॉल से, 500 जगह छोटी बॉल से। तो फ्रेंड्स, आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि मेरे साथ सुबह क्या सीन हुआ, आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपसे ढेरों सारी बढ़िया बढ़िया सी बातें करनी है। फिलहाल अभी हम चलते हैं नीचे, थोड़ा नहा धो के आते हैं, फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद आपसे बाकी की बातें करते हैं। And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us, and I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like. तो फ्रेंड्स, मैं बस नहा गया और मैंने भगवान जी को जल भी चढ़ा दिया। तो अब मैं बताता हूँ आपको सुबह मेरे साथ क्या सीन हुआ था। तो फ्रेंड्स, हर संडे मैं और मेरे फ्रेंड्स भैया लोगों के साथ एक मैच करते हैं और भैया लोगों का गेम काफी अच्छा है, तो एक अच्छा सा मैच हो जाता है। तो ऐसे ही हमने सैटरडे रात को भी प्लान बनाया था आज संडे मैच करने का सुबह। तो फ्रेंड्स, प्लान बना के मैं मस्त सो गया और सब रेडी भी थे आने को। फिर सुबह मैं 5:30 बजे उठा। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी इसलिए उठता हूँ क्योंकि मेरा घर ग्राउंड से 4-5 किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो मतलब मेरे को टाइम लग जाता है, 30-35 मिनट्स लग जाते हैं। तो क्या हुआ कि मैं इसलिए जल्दी उठता हूँ। तो बात कुछ ऐसी कि मैं सुबह 5:30 बजे उठा, अपना मस्त तैयार व्यार हो गया था, कॉफ़ी वॉफी बनानी थी मैंने और मैं रेडी हो गया था निकलने के लिए। तो तभी मेरे को मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि भाई सुबह का प्लान तो कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स, अब ना मैं दोबारा सो सकता हूँ और अब मैं ना ही जा सकता हूँ, तो मतलब मैं बीच में फंस गया था और थोड़ा मतलब निराश सा हो गया था। बट फिर क्या मुझे आइडिया है कि मैं अगर जा नहीं पा रहा तो मैं अपना जगलिंग चैलेंज सुबह ही निपटा लेता हूँ ताकि मैं बाद में फ्री रहूँ। और वैसे भी मैंने सुना है कि चैलेंज अगर सुबह निपटा दिया जाए तो पूरा दिन हम मोटिवेटेड रहते हैं, तो इसलिए मैंने अपना जगलिंग चैलेंज आज सुबह ही कर लिया और मतलब अब मैं फ्री हूँ आराम से। अब शाम को अगर वो खेलने का प्लान भी बनाते हैं तो मैं इसलिए जा सकता हूँ और मतलब एक तरीके से हम फ्री हो गए और मोटिवेटेड भी हैं कि सुबह ही चैलेंज निपट गया। तो इससे एक बात तो सीखने को मिलती है कि फ्रेंड्स, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जगलिंग चैलेंज से रिलेटेड एक बात शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं जब से चैलेंज कर रहा हूँ मेरे को काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। मैं पिछले अपने कुछ मैचेस से काफ़ी इंप्रूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो कैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको अपना मैच की मतलब क्लिप्स तो नहीं दिखा सकता बिकॉज मैं फ़ोन से व्लॉगिंग करता हूँ और फ़ोन में इतनी स्पेस नहीं होती कि मतलब मैं पूरा मैच रिकॉर्ड कर पाऊँ। दूसरा रीज़न ये भी है कि मतलब मेरा कोई साथी नहीं है जो मेरा मैच रिकॉर्ड कर पाए। और एक दो बार मैंने कोशिश भी करी थी ट्राईपॉड सेट करके ग्राउंड में लगाने की, बट ग्राउंड छोटा होता है और बॉल लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, और अगर गलती से फ़ोन में बॉल लग गई और फ़ोन को कुछ हो गया तो पापा मुझे मतलब बहुत डांटेंगे। चुप! कहीं नहीं जाएगा तू! बैठ जा।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बट अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स पिछले कुछ मैचेस से मैं देख रहा हूँ मेरा बॉल कंट्रोल, मेरा कोऑर्डिनेशन, मेरा फोकस काफी इंप्रूव हुआ है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़े टाइम जगलिंग करके देखिए लगातार, और मतलब 1000 नहीं जितनी आप कर सकते हो उतनी करके देखिए, आपको जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एकदम बॉल से मतलब ट्रेनिंग से अलग आप एक्स्ट्रा टाइम अपनी बॉल को दीजिए, आपको मैं सही बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। आपका बॉल कंट्रोल, आपका लेग स्ट्रेंथ, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत कुछ इंप्रूव होगा। तो मतलब एक बार आप ट्राई कीजिए, काफी अच्छी चीज है। फ्रेंड्स अब मैं हो चुका हूँ रेडी और मेरे को अपनी बहन को लेने जाना है, वो नाना जी के घर जा रखी है और वहां पर मेरे दो छोटे छोटे कजन है, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। वो बहुत ज्यादा मेरी बहन की तरह क्यूट और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। तो पहले चलते हैं घर, फिर मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। सो फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ अपनी साइकिल लेके, और आज आपको आगे इस वीडियो में मैं एक मस्त टिप शेयर करने वाला हूँ जिसका यूज करके आप साइकिलिंग को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा टाइम निकाले। तो प्लीज वीडियो को आगे तक जरूर देखना। तो चलिए बातें तो बहुत होगी, अब बढ़ाते अपनी स्पीड। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी छोटी कजन, ये बॉम्बे से आ रही है और इसका नाम है शुभांगी। तो हाय बोल दो सबको। हाय। ये ना दीदी ना बहुत शैतान है। ये बहुत शैतान है, आप इसे डांटते क्यों नहीं? जब देखो तब मैगी बना लेती है, खुद खा जाती है, हमें नहीं देती है। ये तो बड़ी मैंने से सुबह इतनी सारी दी चटोरी, एक ही दी आपने, एक ही दी एक दाना दिया वो। और ये ना इतनी गंदी मैगी बनाती है, इतनी गंदी मैगी बनाती है। अरे झूठ मत बोल, आज ये बात छोड़ो, मैं दिन में कुछ खाऊं ही ना, मत खा तो फिर भूखा रहे। लड़ाई बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है मैगी को लेके, मैं जा इनको शांत करा के आता हूँ। मैंने अभी नीचे लड़ाई को शांत करा दिया। लड़ाई इसलिए उड़ती कि आपको पता है भाइयों की आदत होती है थोड़ा बहन को चिढ़ाने की, बट उसी को लेके मेरी बहन ने मैगी बनाई होगी तो वो बोल रहा था कि मैगी अच्छी नहीं, तो उसी को लेके थोड़ी लड़ाई हुई थी। तो फिलहाल अभी मैं आ रखा हूँ छत में, तो एक मिनट रुक जाओ, अब चुप रहो, अब लड़ाई नहीं करनी। तो अभी आ रखा हूँ मैं छत में और थोड़ी देर बाद जाऊंगा मैं अपना फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे साइकिलिंग से रिलेटेड एक टिप शेयर करने वाला था, कैसे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता तब भी मैं डेली की 20 किलोमीटर्स की साइकिलिंग इजिली कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका रीज़न है कि मैं स्मार्ट तरीके से साइकिलिंग करता हूँ, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आगे ध्यान से सुनना। तो फ्रेंड्स जो मेरा स्कूल है ना वो मेरे घर से 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है और मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, तो आने जाने का 10 किलोमीटर्स तो यहीं खत्म हो गया। दूसरा जो मेरा ग्राउंड है ना वो भी मेरे घर से 5 किलोमीटर्स की दूरी पर, तो यहाँ पे भी आने जाने का 10 किलोमीटर्स यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स टोटल 20 किलोमीटर्स की साइकिलिंग मेरी डेली की ऐसी हो जाती है और मेरे को बिल्कुल भी इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि अगर आप कहीं जा रहे हो और वहाँ का डिस्टेंस लॉन्ग नहीं है तो आप उसे स्कूटी बाइक या कार की जगह साइकिल से कवर कीजिए। इससे आपका क्या होगा, साइकिलिंग की साइकिलिंग हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आप इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखेंगे और जो आप पेट्रोल वगैरह के पैसे बचाएंगे वो आप आगे अपनी हेल्थ में लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और एक एथलीट के लिए तो साइकिलिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी परफॉर्मेंस से लेकर उसकी रिकवरी तक। तो मैं इतनी साइकिलिंग कर रहा था तो मतलब मेरे मन में यही बात आई कि मैंने सोचा आप लोगों से इस चीज़ को शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये टिप, आप इस टिप का यूज़ करके साइकिलिंग को अपनी डेली लाइफ में आराम से ऐड कर सकते हैं और अपने मतलब हेल्थ वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं इसलिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये टिप कैसी लगी। और एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे आप हफ्ते में संडे को आपकी छुट्टी होती है तो फ्रेंड्स के साथ एक लॉन्ग साइकिलिंग का मतलब लॉन्ग राइड का एक प्लान बनाइए साइकिलिंग से, और मतलब इससे क्या होगा आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर लेंगे और साइकिलिंग भी हो जाएगी, आपका फन भी हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपसे आज शेयर करना चाहता था। सो फ्रेंड्स फाइनली आ चुका मैं अपने घर अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करके, और फ्रेंड्स हमने छोटा सा एक मैच भी रखा था, हालत एकदम खराब हो चुकी है, इतनी दूर से साइकिलिंग करके आ रहा हूँ। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मतलब 10 किलोमीटर्स टोटल मेरा वो है डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था कि मैंने डे 12 की जर्निंग चैलेंज भी कंप्लीट कर ली थी बट मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया था। रीज़न ये कि फ्रेंड्स अब मेरे प्रैक्टिकल आ चुके हैं और मतलब मैं सुबह प्रैक्टिकल करने लग गया था और शाम को मैं मैच खेलने चला गया था, फिर आके मुझे टाइम नहीं लगा। तो मैंने कल जर्निंग चैलेंज करा था बट मैंने रात को खाने के बाद करा था जर्निंग चैलेंज, तो जिसकी वजह से मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट मैंने करा था और काफ़ी अच्छा रहा वाला भी, मैंने नंगे पैर ही करा था और मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कल का भी। तो फ्रेंड्स बस आज के व्लॉग में इतना ही, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद। अब मैं भी जा रहा हूँ आराम करने।